हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो उसे मनी से रिलेटेड करते हैं, और इसमें सारा चीज़ प्रेफरेंसेस मनी पे ही देते हैं कि मनी फ्लो वगैरह ये सब इकोनॉमिक्स है। लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं, इकोनॉमिक्स का मतलब है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी आपके पास रिसोर्स हैं जो खत्म होने वाले, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जो जैसे आपका कोल हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब जो कि खत्म हो जाएंगे एक दिन, तो उसको किस तरह से उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया जाए ताकि उसका 100% यूटिलाइजेशन कर सके। 100% नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम 80% 90% तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। जैसे पहले बहुत सारी गाड़ियाँ बनती थी जिनकी एवरेज 40 थी, 30 थी, 20 थी, आजकल उन गाड़ियों की एवरेज 70 80 एवरेज बढ़ा दिया गया। तो उसको बेटर यूटिलाइजेशन करने के तरीकों को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इससे हम इकॉनमी से रिलेट ना करें, इकॉनमी का ही से कोई इसका इकॉनमी अलग है, इकॉनमी मनी पे डिपेंड करती है। मनी ही नहीं, और भी काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन मेन पार्ट इसका मनी होता है। लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स जो हम कह रहे हैं वो उसका मनी से ज़्यादा उतना रिलेटेड नहीं जितना इकॉनमी का है। इसमें बेटर यूटिलाइजेशन, अगर आप मनी भी है इसमें, तो मनी का भी हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो वो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ही दो तीन चीज़ें आती हैं, एक नेशनल इनकम और दूसरा था नेशनल वेल्थ। नेशनल इनकम आपकी कमाई है और नेशनल वेल्थ आपका खजाना है। कमाई मतलब आप कोई कंपनी चला रहे हैं, जो आपका प्रॉफिट होता है वही आपकी कमाई होती है। एज ए नेशन, जो नेशन कमाता है वही उसकी कमाई है, और वेल्थ जो उसका एसेट है। कंपनी में आपने पहले प्री इन्वेस्टमेंट कुछ किया ही है, आपने मशीन खरीदी, आपने जमीन खरीदी, वो आपका वेल्थ है। जब तक आपकी कंपनी है आपका वेल्थ है, और नहीं भी है कंपनी फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कमाई से अलग होता है, जिसे आप कमाने जाते हैं कहीं पे, लेकिन ये वेल्थ आपका हमेशा रहता है। ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, एज ए टाइम चेंज होता है तो, लेकिन कमाई आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, प्रॉफिट मान सकते हैं, ये सिर्फ इंटरेस्ट मान सकते हैं, ये सब कमाई होती है। तो एज ए इसको अगर हम एज ए डेफिनेशन कहना चाहें तो हम इसमें कहेंगे कि ये है मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन पावर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपका एनुअली होता जाता है, मोस्टली एनुअल सालाना बेसिस पे आपको जो भी सर्वे करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं, जो भी हो, और ज़्यादा एनुअली होते हैं। तो नेशनल इनकम क्या होता है, वो मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन पावर, प्रोडक्शन पावर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से जो आप कमाते हैं उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, और नेशनल वेल्थ है मेजरमेंट ऑफ प्रेजेंट एसेट अवेलेबल ऑन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम।
आपका एसेट होता है, प्रेजेंट एसेट, जो आज आपके पास है, जरूरी नहीं कल आपके पास हो, और पता नहीं कल था कि नहीं था लेकिन आज है। तो जो आपका एसेट है, जो आपके पास ज्वेलरी है, आपका लैंड है, मैन है, मशीन है, मैं तो नहीं मशीन, वगैरह जो आपके पास है, जो कोई आपसे छीन नहीं सकता जल्दी, जब तक कि आप उसे खर्च ना करना चाहें, वो आपकी वेल्थ होती है। एज ए नेशन आपके पास स्टेट्स हैं इतने सारे, वहाँ मिनरल्स हैं, कोल्स हैं, ये सब आपके एसेट्स हैं, उन्हीं को आप अगर प्रोसेस करके बेच देते हैं या किसी तरीके से आप उसके ऊपर कोई प्रॉफिट कमाते हैं, तो आपकी इनकम कहलाती है, वेल्थ पे ही। इसको नेशनल इनकम को हम दूसरे तरीके में कह सकते हैं, एज ए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक जो हम हर जगह पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से नेशनल इनकम को हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम एनुअली होता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है। गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटी जैसे इन द सेंस, अगर आपके पास कोई मटेरियल है, मटेरियल में आप मान लीजिए कोल है,
राइस हो गया, जो भी आपके पास गुड्स हैं, अगर वो फिजिकल टचिंग में टच कर सकते हैं उसे, तो आपके गुड्स एंड गुड्स में आता है, और सर्विसेज में आपके नॉन नॉन फिजिकल, जैसे इंटरनेट सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, किसी को आप काम कर रहे हैं, किसी का एज ए एम्प्लॉय आप उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसे कुछ बेच नहीं रहे, कुछ उसे खरीद नहीं रहे, तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सर्विसेज में ही आपका वो वारंटी सर्विसेज कंपनी देती है आपको, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज जो आप मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एनुअली, आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज देश में होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से जो इनकम प्रोड्यूस होती है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। ओके, और ये जो भी है, ये कितना हो रहा है, किस जगह हो रहा है, और कौन कौन से स्टेट में किस हिसाब से हो रहा है, ये सारा डेटा आपको CSO प्रोवाइड करता है, जो होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको बताता है कि आपके देश में कितना प्रोडक्ट हुआ है, उसकी वजह से आपने कितना बेचा, कितना खरीदा है, उसका क्या आपका प्रॉफिट हुआ, ये सब आपको CSO बताता है। CSO को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसके बारे में डिटेल बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। CSO के बाद अब जानते हैं कि GDP, NDP, GNP, NNP ये सब होते क्या है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आपके आपको कई बार ये चीज़ें आपको देखने और सुनाई सुनने में आता है कि आपका ये GDP है, आपका ये NDP है, निकला है इस साल का ये GDP है, तो आखिर होता क्या है। ये GDP आपका करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या प्रोडक्शन भी कहते हैं कभी-कभी। NDP आपका कहलाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन। GNP फिर ग्रॉस, NP नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, NNP नेट नेशनल प्रोडक्शन। इसमें आप दो चीज काफी ध्यान दिए होंगे, एक तो ग्रॉस, दूसरा नेट, और तीसरी चौथी चीज जो है बदली है वो डोमेस्टिक और नेशनल, बाकी सब चीजें सेम है। ग्रॉस और नेट कॉमर्स के स्टूडेंट जानते हैं, जब किसी चीज का आप एड 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 करके एक ग्रॉस वैल्यू निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू, इस पे अगर कोई टैक्स वैक्स लगता है, फिर कोई प्लस माइनस करना है, उसके बाद आप एक नेट वैल्यू निकालते हैं, तो ये ग्रॉस वैल्यू और एक नेट वैल्यू डिफाइन होती है। इन द सेम सेंस इसमें भी ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू निकली है, और ये डोमेस्टिक और नेशनल क्या है, ये इंडिया मान लीजिए, इतना अच्छा इंडिया नहीं बनाया है, फिर भी यहाँ से थोड़ा खराब है, गर्दन इतनी लंबी नहीं इंडिया की, ये इंडिया मान लीजिए, इंडिया तो जो भी इंडिया में बन रहा है विदिन फिजिकल बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसके अंदर बाई इंडियंस, तो वो आपका डोमेस्टिक कहलाता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू ही होता है, तो घर आपका क्या है, भारत आपका घर है, तो घर में जो आप बना रहे हैं तो वो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो गया। और अगर आप ऐसा तो है नहीं कि सारे भारतीय सिर्फ भारत में ही है, विदेशों में भी भारत भारतीय हैं, तो जो NRIs हैं
जो यूएस में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी ऐसे वैसे बहुत सारे देशों में इंडियंस जो जाके बस गए हैं, तो उनकी वजह से जो पैसे मिल रहे हैं वो अगर ऐड कर दिया जाए तो आपका नेशनल इनकम हो जाता है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की वजह से जो इनकम मिल रही है वो नेशनल इनकम है, ये नेशनल और ये डोमेस्टिक, ये नेशनल ये डोमेस्टिक। ओके, अब इसमें 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 रिलेशन क्या है, जीडीपी और जीएनपी में क्या रिलेशन है, जीडीपी और एनडीपी में क्या रिलेशन है, जीडीपी और एनएनपी में क्या रिलेशन है, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि नेट का मतलब क्या है, डोमेस्टिक का मतलब क्या है, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। अब आप पता करिए कि इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, इन सब में ये चार क्वांटिटीज आपको बताई गई है, इनमें जाकर रिलेशन क्या है, क्यों हमें ये जानना जरूरी है। तो जीएनपी, जीएनपी और जीडीपी, एनएनपी, ये सब दो होते हैं, एक मार्केट प्राइस पे होता है, एक फैक्टर कॉस्ट पे होता है। तो बताने से पहले मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस भी बता दूं आपको, जल्दी से रहेगा। और कोई कंपनी है ए, उसने एक चीज बनाई, मान लीजिए उसने एक बुक शेल्फ बनाया, ठीक है, तो एक बुक शेल्फ बनाने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ी, मटेरियल की जरूरत पड़ी, ये 10 रुपए का मटेरियल था, मनी की इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ी थी, मनी नहीं मानते, मैन मानते, मैन उसको लगा, इन्वेस्टमेंट उसने किया, 10 रुपए के आदमी भी लग गए, इन द सेंस उनको सैलरी देनी पड़ती है, आदमी 10 रुपए की नहीं है, उनकी सैलरी और मटेरियल जो खरीदा वो 10 रुपए का, मशीन चाहिए होती है, हाथ तो अब बनाया नहीं जा सकता इतना ज़्यादा, तो मशीन भी मान लीजिए 20 रुपए की लग गई, और इस पे जो वो प्रॉफिट कमाना चाहता है वो भी मान लीजिए प्रॉफिट है, वो 5 रुपए कमाना चाहता है, और एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ उसका वो भी 5 रुपए, तो टोटल हुआ 10, 20, 40, 50, 50 रुपए ऐसे एक बुक शेल्फ बनाने में पर पीस उसको 50 रुपए लग रहे हैं, तो ये आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। फैक्टर कॉस्ट यानी जो आपके प्रोडक्शन कॉस्ट लगी है सारा सब मिला के, ये आपका, और अगर इसी में प्लस टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स जो डाल दें वो ऐड कर दें, टैक्स भी मान लीजिए 10% है, तो 5, तो 55 जो हुआ ये आपका मार्केट प्राइस है, जो आप बेचोगे मार्केट में वो आप 55 रुपए का बेचोगे, टैक्स कंपनी खुद लगा के बेचती है, किसी प्रोडक्ट में देख लीजिए साबुन हो, तेल हो, दूध हो, कुछ भी, उसमें टैक्स पहले से जुड़ा रहता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट कंपनी से ही टैक्स वसूल लेती है, वो टैक्स फिर बाद में कंपनी उससे कंज्यूमर से वसूलती है। तो ये बात हुई थी फैक्टर कॉस्ट की और मार्केट प्राइस की, क्योंकि ये जो भी है ये चारों क्वांटिटी एक फैक्टर कॉस्ट पर होती है, एक मार्केट प्राइस पर होती है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से ज़्यादा डिफरेंस नहीं, जब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के रिलेशन की बात करते हैं तब आपको ये पता होना चाहिए। तो जीडीपी पहले आता था, सबसे पहले जीडीपी, ये दोनों मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों के बारे में एक साथ ही है, माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। ओके,
और इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, जीडीपी इक्वल टू एनएनपी, जीडीपी इक्वल टू एनएनपी प्लस डी। ओके, डेप्रिसिएशन को डी से डिनोट कर लीजिए। तो ये पहला आता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी, ग्रॉस माइनस डोमेस्टिक इक्वल टू नेट। ये याद रखिए, तो क्वेश्चन पूछ लेता है डिफरेंस ऑफ जीडीपी और एनडीपी का क्या होता है, तो आप बता सकते हैं डेप्रिसिएशन, ये पहला पार्ट। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है कि जीएनपी माइनस नेट फॉरेन इनकम इक्वल टू जीडीपी, ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस डोमेस्टिक, अभी बताया था नेशनल और डोमेस्टिक कि ने, तो आप समझ लीजिए नेशनल माइनस फॉरेन इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक, भारत एनआरआईस, ये जीडीपी आपका ये है, आप प्लस एनएफआई कर देंगे, ये कर देंगे तो आपका नेट निकल जाएगा टोटल। ओके, इसी तरह नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस एन एफ आई नेट फॉरेन इनकम इक्वल टू एन डी पी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस आपको कहलाता है एन एफ आई फॉरेन इनकम। में तीसरा पार्ट आता है, उसे कहते हैं ये सारी चीजें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट दोनों के लिए सेम थी, अगर ये मार्केट प्राइस है तो ये मार्केट प्राइस, ये फैक्टर कॉस्ट है ये तो फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब अगर एक मार्केट प्राइस पे है दूसरा फैक्टर कॉस्ट पे है, तब का रिलेशन क्या होता है। इसमें है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट डायरेक्ट टैक्स, बता दें टैक्स लगता है तब आपका मार्केट प्राइस हो जाता है, इक्वल टू जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो टैक्स जब लग जाता है टैक्स प्लस फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट, पहले बता चुका हूँ, तो इसमें सेम ही जीएनपी, जीएनपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। ओके, इसी तरह एनएनपी है माइनस यही इक्वल टू एनडीटी नेट डायरेक्ट टैक्स इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी एफसी एनपी एनपी। इसी तरह एन डी पी मान लीजिए, एन डी पी एट मार्केट प्राइस माइनस एन डी टी नेट डायरेक्ट टैक्स इक्वल टू एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। ये तीन, इसी का आपको चार्ट बना के हर जगह दिखाया जाता है, कभी ऐसे बना के ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग वाला चार्ट है, तो डायरेक्ट आप जान लीजिए ग्रॉस नेट, जब ग्रॉस और नेट की बात आएगी तो डेप्रिसिएशन आएगा, जब नेशनल और डोमेस्टिक की बात आएगी तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात आएगी तब आपका नेट डायरेक्ट टैक्स आएगा, यही मेन बात है।
इसके बाद नेशनल इनकम बता चुका हूँ, फिर से गौर दे देना। नेशनल इनकम डेफिनेशन इसकी है मनी वैल्यू में या फिर मेजरमेंट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेस। बात करें इंडिया, हर जगह का इकोनॉमिक्स सेम ही रहता है, इकोनॉमिक्स कभी बदलता नहीं है। इंडिया का अगर यूएस का निकाल देते तो यूएस लेते हैं यहाँ पे। इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम नेशनल इनकम मनी वैल्यू सारे गुड्स एंड सर्विसेज टाइम पीरियड 1 ईयर। 3 बातें, नेशनल इनकम क्या होता है, मनी वैल्यू जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके इंडिया में प्रोड्यूस्ड हुए हैं या फिर इंडिया के बाहर, सर्विसेज तो इंडिया के बाहर भी एनालाइज कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम अगर नेट की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं और या फिर आप बात कर रहे हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, तो नेशनल की बात कर रहे हैं तो फॉरेनर्स भी इंक्लूड हैं, और अगर डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं विद इन घर के अंदर, घर मतलब अपना देश भारत, तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो मनी वैल्यू होती है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इसकी बात भी आती है। करंट प्राइस मतलब जो आपका अभी चल रहा है इस समय, 10 साल पहले जो वैल्यू थी वो उस समय के लिए थी। इस समय आज 2013 चल रहा है, तो 2013 में उसी चीज की क्या वैल्यू है। आज 10 साल पहले दूध दूध मान लीजिए 15 रुपए लीटर आता था, आज जो 32 रुपए लीटर मिल रहा है, तो जो मनी वैल्यू चेंज हो गई है वो एक करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा होता है नेशनल इनकम एट क्या कहते थे, कांस्टेंट प्राइस। अभी करंट प्राइस की बात की है, अब कांस्टेंट कुछ चीजें होती हैं जो एक कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से निकाली जाती है। जैसे आपका बेस ईयर मान के निकाली जाती है, पुराने पुराने जैसे आपका निकाला जाता है पुअर्टी पुअर्टी रेशियो निकाला जाता है, 10 साल पहले इसकी कीमत ये थी तो आज की कीमत ये है, फ्यूचर की कीमत क्या होगी। तो बेस ईयर प्रीवियस ईयर को मान के जो वैल्यू आपकी नई निकाली जाती है उसको जब निकालते हैं तो उसे नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस कह के बोला जाता है। सब चीज़ बोलने के तरीके हैं और चीज़ें भी अलग अलग होती हैं, तो इसलिए कितने बता सकें इसके ऊपर है। मान लीजिए ये थी 1990, तो ये 2010 में 2020 की चीज़ निकालनी है, तो बेस ईयर ये है 2020 के लिए, अगर कुछ निकालेंगे तो, और 2010 के लिए निकाल रहे थे तो बेस ईयर ये था, इसके लिए बेस ईयर ये है, इसके लिए बेस ईयर ये है। तो जो बेस ईयर प्रीवियस बेस ईयर मान के रखते हैं उसको हम कॉन्स्टेंट प्राइस के हिसाब से कहते हैं। और इसके बाद आता है पर कैपिटा इनकम, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, एक या दो बार, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कुछ नहीं होती, टोटल इनकम जो भी आपकी टोटल इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल
पॉपुलेशन यही आप पर कैपिटा, कैपिटा मतलब ये पॉपुलेशन होते हैं। तो जैसे आपने कमाया 12,000 और पॉपुलेशन थी एक कंपनी में 12,000 कमाया और आदमी थे 1,000, तो आपका पर कैपिटा इनकम एक आदमी ने कितना कमाया? एक आदमी ने 12 रुपये प्रति व्यक्ति कमाया, कमा के दिया कंपनी के लिए, तो ये पर कैपिटा इनकम ऐसे कहते हैं। एज ए नेशन हमारे पास 1.25 बिलियन, 125 करोड़ लोग, 125 करोड़, और जो हमारे नेशनल इनकम हो 1 लाख करोड़, 1,000 करोड़, इतना तो नहीं होता जो भी हो। तो एक सीधी सीधी सी बात आ गई, GDP, GNP और NNP, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस नेशनल, नेट नेशनल। डोमेस्टिक भारत द्वारा, भारत में जो भी कमाया गया, बनाया गया, वो सेम कहेंगे। GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, भारतीयों द्वारा भारत प्लस विदेश। इंडियंस इंडिया में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, NRIs कहते हैं इंडियंस। NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1 ईयर, एक साल में जो मनी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके उसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ये चीज जानने वाली थी। अब इसके बाद चलते हैं हम कुछ छोटी छोटी बातें जिन्हें हम पता होंगे तो गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उनमें बहुत फायदा देता है। ये पुरानी चीजें जो भी बताया वो तो बेस है और वो तो पूछी जाती है, ये भी चीजें कभी पूछी जाती हैं। तो इंडिया के बारे में कर रहे हैं तो सबसे पहले पता करते हैं कि हाईएस्ट रैंकिंग, रैंकिंग निकालते ही इंडिया में कितने स्टेट्स हैं जो कि एनडीपी बेसिस पे स्टेट को रखा जाए, एनडीपी ने डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा था। ये हर 5 साल पे एनुअल सर्वे होता है और बदलता रहता है, तो ये पुराना मैं बताता हूँ, 2013 उसके आगे का आप जानिए, पुराने ही है। तो इसके हिसाब से स्टेट में सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र, और ये चीज़ें बदलती भी नहीं जल्दी, ये चीज़ें यही रहती हैं। क्यों प्रोडक्शन कहाँ बदलती है, कभी कभी नई फैक्ट्री लगी, नया कुछ हुआ देश में, तब तो कुछ होगा, जब कुछ ज़्यादा होता नहीं है तो सेम चीज़ें रह जाती हैं। अगले साल भी आप ये देखेंगे, उसके अगले साल भी ये देखेंगे। सेकेंड नंबर पे यूपी, ये हाईएस्ट है एनडीपी में। थर्ड पे आंध्र प्रदेश, इसी तरह अगर लोवेस्ट कर देखें लिस्ट एनडीपी, उसमें सबसे नीचे है सिक्किम, फिर है मिजोरम, फिर है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ तक आप देखें एनडीपी ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, आपके नॉर्थ वे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आप देख लेंगे कि वहाँ पे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री ज़्यादा है नहीं, तो जब भी आपके एनडीपी लिस्ट के बारे में आए आप
समय जाइए नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में बात किया जाएगा, तो वहाँ पे पहाड़ वहाड़ है ज़्यादा, ज़्यादा रोड भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जियोमेट्रिकल बाउंड्रीज की वजह से आप ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसकी वजह से आपका प्रोडक्शन कम रहता है। जबकि ये सब स्टेट महाराष्ट्र हो गया, यहाँ मुंबई है, यूपी हो गया, यूपी तो हब ही है हर चीज़ का, और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद सिटी सर्विसेज के लिए फेमस सिटीज है, तो ये सब हमेशा नंबर वन पे रहेंगी और ये लोएस्ट में आपको हर जगह दिखेंगी। अब पर कैपिटा बेस्ड, एनडीपी, पर कैपिटा पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तब जो वैल्यू निकलेगी वो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में। स्टेट में हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट है चंडीगढ़, फिर है गोवा, फिर है पांडिचेरी, ये हाईएस्ट में। लिस्ट में कौन से होंगे? बिहार, यूपी, एमपी। बिहार में तो गरीबी है, आपको है पता ही है, लोग कमा ही नहीं पाते। यूपी भी पॉपुलेशन से तो ज़्यादा है, तो पर कैपिटा से डिवाइड करते ही है लोएस्ट में अपने ही पहुंच जाएगा, एज ए कंट्री डिनोट करता है, इतनी पॉपुलेशन है यूपी में। फिर आता है, अभी तो स्टेट्स की बात कर दिया, अब रैंकिंग और कंट्रीज। अभी तक तो हमने अपनी इंडिया के बारे में देख लिया था, वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड में ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि हाईएस्ट हैं जीडीपी के हिसाब से? जीडीपी हाईएस्ट लोएस्ट, हाईएस्ट में सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस नंबर वन पे रहता है हमेशा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के लिए लड़ाई चलती रहती है। सेकेंड पे जापान है, जापान ने पीछे छोड़ दिया चाइना को, चाइना और फिर जर्मनी। ये चीज कंट्रीज जीडीपी के मामले में। यूएस तो हमेशा ही रहने के लिए उम्मीद है, क्योंकि जितने भी आपके एक्सचेंज होते हैं फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, सब ज़्यादातर यूएस डॉलर पे ही माना जाता है, तो जिस कंट्री जो दबदबा है वो तो बना ही रहेगा जब तक कि कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि यूएस के हालत ख़राब हो जाए। लोएस्ट में जो है वो देश है लोएस्ट की बात कर रहे हैं, सोमालिया, मालिया, अफ्रीकन नेशंस हो गए। लास्ट में तो ये जाते हैं, ये जीडीपी बेसिस पे। और अगर बात करें हम पर कैपिटा बेसिस पे, तो हाईएस्ट में है लग्जमबर्ग, देश पता नहीं चलते लेकिन हो जाते नंबर वन। नॉर्वे, यहाँ पर लोगों को रहने की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। फिर आता है स्विट्जरलैंड, और इसी तरह नीचे चलते 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 करीब 131 रैंक पे इंडिया मिलेगा आपको। ये जो भी डेटा है वो 2010 का है, तो हो सकता है कि बढ़ गया हो या घट गया हो, ज़्यादा एक पॉइंट ऊपर नीचे होता होगा, ज़्यादा नहीं। जीडीपी में इंडिया 12th रैंक था। अब अगर
जीडीपी हटा दिया जाए और पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, लोगों के खरीदने की क्षमता किस देश में सबसे ज्यादा है? पैसे होंगे तो लोग खरीदेंगे, नहीं होंगे तो नहीं खरीदेंगे। तो कहाँ पे ज्यादा पैसे हैं? तब भी US नंबर वन पे है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2010 में फोर्थ लार्जेस्ट थी, 2013 में इंडिया। और ये जीडीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा, परचेजिंग पावर पैरिटी इसके हिसाब से फिर से नंबर वन पे लग्जमबर्ग, दूसरे रैंक पे नॉर्वे, तीसरे रैंक पे सिंगापुर। ये चीज़ें वैल्यूज ज़्यादातर सेम रहती हैं, लेकिन आप बना रहे हैं एक शीट, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप ये 2010 के हिसाब से है, 2010 के हिसाब से है, ये सब 2010 के हिसाब से। तो 2013 में क्या चेंजेस हुए, ये सब चीज़ें बदलेंगी नहीं। इंडिया की रैंक हो सकती है 12 से 11 पहुंच गया जल्द, तो बस कौन फर्स्ट पे कौन सेकंड पे, ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। क्वेश्चन में यही पूछे जाते हैं। अब आता है इंडिया, वापस आ जाते हैं, पुअर्टी गरीबी, गरीबी कैसे निकालते हैं? एक तो इंडिया ने अपने स्टैंडर्ड बना रखा है, एक वर्ल्ड ने अपना स्टैंडर्ड बना के दिया हुआ है, एज वर्ल्ड एज इंडिया। इंडिया किसको गरीब मानता है, वर्ल्ड किसको गरीब मानता है, दोनों में बहुत डिफरेंस मिल जाते हैं। इंडिया इंडिया कहते हैं हमारे पास 29% गरीब लोग हैं, वर्ल्ड कहते हैं आपके पास 68% गरीब लोग हैं। तो सबकी डेफिनेशन अलग है। प्लानिंग कमीशन जो कहता है वो बेसिस है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजिंग, जो सर्वे करता है प्लानिंग कमीशन। ये सर्वे करता है पुअर्टी ऑन हाउस होल्ड बेसिस पे करता है, हाउस होल्ड कंज्यूमर हाउस होल्ड जो लोग घर में खर्च करते हैं डेली वीकली मंथली और ईयरली बेसिस पे। डेली सब्जी उब्जी जो रोज खरीद खाते हैं पति खाते पीते हैं, वीकली आपने कुछ सामान खरीदा जो है एक हफ्ते ही चलता है, मंथली आपका महीने का राशन आप खरीदते हैं, एक महीने में पूरा राशन एक बार खरीद के आप जमा कर लेते घर में, ईयरली आपको जूते कपड़े वपड़े जो साल भर में खरीदते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी, टीवी तो 5 5 10 10 साल चल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें इनके ऊपर प्लानिंग कमीशन जो होता है वो CSO को बोलता है, CSO फिर ये वो सर्वे करता है इनके हिसाब से, और फिर जब टोटल वैल्यू निकलती है ऊपर उसके हिसाब से नेशनल CSO के कहने पे प्लानिंग कमीशन NSSO नेशनल सर्वे, नेशनल
सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ के रहने पे ये करता है आपके लिए सर्वे पूरा, और ये प्लानिंग कमीशन आपके लिए 5 साल का, 5 साल पे सर्वे करवाता है, और इसके हिसाब से जो आपकी पॉवर्टी लेवल डिफाइन की जाती है वो इसी बेसिस पे, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है डिवाइडेड बाई पर कैपिटा, स्टेट की अलग निकाली जाती है, स्टेट में कितना है, नेशन में, स्टेट वाइज और नेशन, देश में कितनी गरीबी है, राज्यों में कितनी गरीबी है, ये दोनों चीज़ें ये निकालती है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्वे कराती है, फिर प्लानिंग कमीशन को बताती है, ये आपको बताता है कि कितना चीज़ें हो रही है। तो ये एक पॉवर्टी लेवल डिफाइन कर दी जाती है कि अगर उसके हिसाब से जो वैल्यू निकली है उसके हिसाब से एक लाइन बना दी जाती है, पॉवर्टी लाइन, तो कोई लाइन नहीं है लेकिन एज ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दिखा देते हैं कि कितने एक्सपेंडिचर जिनका मंथली है या ईयरली बेसिस पे है वो लोग गरीबी रेखा में आते हैं, और इसके ऊपर जो होंगे वो अबव पॉवर्टी लेवल, और ये इसके नीचे वाले लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लेवल। इसमें क्या होता है, पॉवर्टी लेवल जो बनाई जाती है वो MRP बेसिस पे, MRP बेसिस और URP बेसिस, दो बेसिस पे बनाई जाती है, कभी इसको फॉलो करते कभी इसको फॉलो, दोनों में वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आती है। तो URP का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, MRP का है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, MRP बेसिस या फिर URP बेसिस। URP बेसिस हमेशा MRP बेसिस से ऊपर वैल्यू शो करता है, ज़्यादा वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 27 आई है तो MRP की वैल्यू 21 आएगी, दोनों पॉवर्टी लेवल दिखाने के लिए होता है किसके हिसाब से माने जाए देश में। जो यूनिफॉर्म होता है वो क्या करता है कि एक मंथली निकाल देते हैं, इस मंथ में हर 5 साल पे करते हैं तो 12 महीने का एक बार निकाल लिया, 12 12 12 करके एक जो टोटल वैल्यू निकालती है डिवाइडेड बाय पर कैपिटा टोटल पॉपुलेशन कर देते हैं, तो MRP बेसिस URP यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यूनिफॉर्मली 12 महीने 12 महीने 12 महीने करके निकाल देते हैं। जो मिक्स्ड MRP मिक्स्ड रिकॉल पीरियड हुआ वो मंथली और ईयरली ये दो बेसिस पे निकाल के आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एक 30 डेज वाली एक 365 डेज वाली। 30 डेज में जो कंजम्पशन हो रहा है, 365 डेज में जो कंजम्पशन हो रहा है उस पर टोटल एवरेज करके टोटल करके वैल्यूज निकालते थे। तो या ये ज़्यादा ध्यान में आएगा कि URP पॉवर्टी लेवल को ऊपर कर देता है कि 27 अगर 5,000 रुपये कमाने वाला पुअर है एज ए MRP बेसिस पे, तो URP बोलेगा नहीं 57,000 5,700 कमाने वाले पॉवर्टी लेवल के अंदर आते हैं, तो वैल्यूज डिफरेंट दिखाते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं ये तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ऊपर है, जिसको कम दिखाना कि हमारे हमने को हमारे गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है तो कोई ऐसी वैल्यू निकाल देगा कि पॉवर्टी लेवल नीचे आ जाए, बोलेंगे हमारे देश में गरीबी खत्म हो रही है, जबकि गरीबी तो रहती ही है, कहने के तरीके हैं।
MRP यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड जो डेली यूज करते हैं यूनिफॉर्म मंथली अच्छा MRP मिक्स्ड में आपके यूनिफॉर्म थर्ड मंथली और ईयरली ईयरली में क्या क्या यूज़ करते हैं क्लोथिंग हो गया कपड़े जो खरीदते हैं उसका सर्वे करता है फुटवेयर जूते चप्पल तीसरा ड्यूरेबल गुड्स जैसा आपका फ्रिज मोबाइल टीवी एक्सेट्रा ये सब चीज़ें जो सालाना खरीदी जा सकती हैं फिर मेडिकल एक्सपेंशन एक्सपेंसेस जो आप कभी दवाई में खर्च कर दिए साल में रहता नहीं कि बीमार नहीं होंगे एजुकेशनल एक्सपेंसेस ये सब चीज़ें ईयरली बेसिस पे खर्च की जाती है और मंथली तो आपका राशन हो गया दाल चावल सब्जी रोटी और भी बहुत सारी चीज़ें जो रोज़ खर्च हो रही है महीने में खर्च हो रही है ये सब ये अलग चीज़ें हैं जो बहुत कम है। अब निकालते हैं पुअर्टी वो या तो URP बेसिस पे निकालेंगे MRP बेसिस पे निकालेंगे यूनिफॉर्मली मिक्स्ड डेली मंथली प्लस ईयरली इसका जो टोटल सम डिवाइडेड बाय पर कैपिटा पहले निकल गए MRP मंथ यूनिफॉर्म का तो मंथली डिवाइडेड बाय पर कैपिटा तो URP बेसिस पे जो मोस्ट पुअर सबसे गरीब सबसे गरीब स्टेट वो क्या है उड़ीसा झारखंड बिहार MP मध्य प्रदेश और जो लीस्ट कम गरीब स्टेट में सबसे कम गरीब कौन है चंडीगढ़ है दूसरे नंबर पे J&K तीसरे नंबर पंजाब ये वैल्यूज बदलती नहीं जल्दी MRP बेसिस पे लीस्ट पुअर है उड़ीसा बिहार छत्तीसगढ़ और झारखंड झारखंड URP बेसिस पे ऊपर है लेकिन MRP बेसिस पे नीचे है लीस्ट MRP बेसिस में लीस्ट लिस्ट में आता है J&K चंडीगढ़ फिर आता है पंजाब इसमें चेंजेस हो गया और सेकेंड मेथड है जो फर्स्ट
फर्स्ट मेथड था एनर्जी कंजम्पशन। गुड। कितना आप इनटेक करते हैं और इसके बेसिस पे, एक तो रूरल, एक अर्बन, ग्रामीण, शहरी। इसने क्या है, 2400 किलो कैलोरी पर डे जो कमा खाते हैं वो, और ये 2100। पर डे जो खाता है वो गरीबी रेखा के ऊपर है, इससे कम खाएंगे तो गरीबी में आ जाएंगे। और इसके बाद आता है पुअर्टी, ये तो इंडिया बेसिस पे हो गया, एक वर्ल्ड बेसिस पे भी होता है, जो यूनाइटेड नेशन वगैरह कहते हैं कि कितना खाना चाहिए, तो कहते हैं कि 1.25 पर डे पर पर्सन डॉलर में जो कमाता है वो पॉवर्टी लेवल से ऊपर होगा। अबाउट पॉवर्टी लेवल। और इसी में यही कहा कि 2 डॉलर जो पर डे पर पर्सन वो है पॉवर्टी लेवल होगा। अगर इसको माना जाए तो करीब 40% लोग गरीबी में होंगे, और अगर 2 डॉलर पर डे माना जाए करीब 75% लोग गरीबी लेवल के अंदर होंगे। ये टोटल है, इसी के हिसाब से सारे काम चलते हैं।